हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट एंड ईएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम 8085, दैट इज एलडीए। ओके, तो ये है एलडीए इंस्ट्रक्शन। हमें डेटा लोड करना है इन एक्यूमुलेटर, राइट? और ये हमें बताएगा कि हमें किस मेमोरी लोकेशन से डेटा लोड करना है एक्यूमुलेटर। ओके, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। इट इज अ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, तो कोई भी फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होते, राइट? और ये है लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट आपको 16 बिट का मेमोरी एड्रेस दिया होगा। तो और भी बहुत सारी बातें करेंगे, कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, कितने मशीन साइकिल हैं और कितने टी स्टेट्स हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज आपको इस इंस्ट्रक्शन पर कमांड करनी है, ओके? रटना नहीं, समझना है, ये बात ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, माय सेल्फ संजय राठी, आई हैव क्वालिफाइड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 3 times, आई एम हैविंग 18 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई हैव मेंटर्ड मोर देन 1 lakh स्टूडेंट्स फॉर दीज एग्जाम्स। अकॉर्डिंग टू मी, अगर किसी भी एग्जाम में टॉप करना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट बनाइए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टेक्स्ट बुक पढ़ी जाती है, मैं आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और हर स्टेज में होना चाहिए डाउट क्लियरिंग सेशंस, राइट? और एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए जहां पर अपने डाउट आप रख सकें और वो ऑथेंटिक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करे। तो आज ये हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, दैट इज माई नंबर 9899400096 पर। ओके, मैं कहां हूं? मैं हूं ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज अनअकैडमी। और मैं अकेला नहीं हूं, इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टीज हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर है। और हमारी एंथम है लेट्स क्रैक इट, अकॉर्डिंग टू इट बड़े सपने देखिए। अगर आप बड़े सपने देखेंगे, राइट, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में टॉप करना है, गेट में टॉप करना है, तो आपको लगेगा हमें मेट्रो में जाना होगा। नो, किसी भी मेट्रो में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ना दिल्ली, ना हैदराबाद, ना बेंगलोर। बस आप तैयारी स्टार्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे, टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे, क्विजेज होंगे, मेगा क्विजेज होंगे, रेगुलर कोर्सेज होंगे ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो देखिए, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ रेगुलर कोर्स फॉर ईएससी गेट एंड पीएसयू 2021, 2022 एंड 2023। फॉर ड्रॉपर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, इनफैक्ट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, जहाँ हैं आप तैयारी स्टार्ट कीजिए। जितनी जल्दी आप तैयारी स्टार्ट करेंगे उतना कॉम्पिटिशन कम होगा, आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा होंगे। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं SR10 फॉर 10% डिस्काउंट। दीज आर माई सब्जेक्ट्स, आप इन्हें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं थ्रू स्पेशल क्लासेस या फिर YouTube में देख सकते हैं, दीज आर टोटली फ्री। ओके, अब देखते हैं आज का हमारा इंस्ट्रक्शन LDA। देखिए, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, इस टेबल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे ये 3 byte इंस्ट्रक्शन है, मशीन साइकिल 4 क्यों है और 13 टी स्टेट्स कैसे आ रहे हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ये रटना नहीं, ये हमें समझना है। तो देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है, यहां एक्यूमुलेटर फ्लैग BCDEHL प्रोग्राम काउंटर एंड स्टैक पॉइंटर है। यहां याद रखिएगा, यहां एक इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, कंट्रोल लॉजिक यूनिट है, और कंट्रोल यूनिट बोल सकते हैं, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। यहां एड्रेस बस है जो 16 बिट की होती है, A15 टू व्हाट A0, और यहां डेटा लाइन है जो होता है फ्रॉम D7 टू व्हाट D0, ये डेटा लाइन है। ओके, अब देखिए, यहां एक मेमोरी है, ध्यान दीजिएगा इसे, ये एक मेमोरी है, यहां मेमोरी लोकेशन है 200H, 2001, 2002, 2003 एंड सो ऑन, लेट ये लोकेशन है 4050H, 16 बिट का एड्रेस होता है मेमोरी का, ध्यान रखिएगा। इस मेमोरी लोकेशन पे डेटा है 37H, मान लीजिए यहां पर है 37H, इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे 8 बिट का डेटा स्टोर है। अब इस डेटा को मेमोरी लोकेशन से माइक्रो प्रोसेसर में लेकर आना है और उसे लोड करना है एक्यूमुलेटर में, तो आप कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो आप देखिए, जो इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे वो इंस्ट्रक्शन है LDA
एल डी ए 4050। अगर आप इसे लिखते हैं एल डी ए 4050 तो ये ऑप कोड है और ये 16-bit एड्रेस है ऑपरेंड। तो यहां पर कोड आएगा ऑप कोड फॉर एल डी ए। इसे ऑप कोड को आपको रटने की जरूरत नहीं है, वो आप टेबल से देख सकते हैं। ये चीज कभी नहीं पूछी जाती ऑप कोड। 8-bit का ऑप कोड होता है, यहां पर आप रखेंगे तो ये लोकेशन लेगा। उसके बाद आप लोअर ऑर्डर एड्रेस लिखिए 50 और उसके बाद आप हायर ऑर्डर लिखिए 40। इसने देखिए इस मेमोरी में 3 byte लिए, 1 byte 2 byte 3 byte, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3 byte instruction। 3 byte instruction। अब ध्यान दीजिएगा वर्किंग कैसे कर रहा है, कैसे ये डेटा एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा इस इंस्ट्रक्शन के बाद। अगर आप ये इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर बिकम 37H। इट इज अ डायरेक्ट लोडिंग ऑफ एक्यूमुलेटर फ्रॉम दिस मेमोरी लोकेशन। कैसे होगा ये देखते हैं। सबसे पहले माइक्रोप्रोसेसर जाएगा मेमोरीज को रीड करेगा। सबसे पहला काम होगा मेमोरी रीड, वहां से इसे एलडीए को लेकर आएगा, इसके ऑपकोड को लेकर आएगा, 8-bit का जो ऑपकोड है, और उसे डालेगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर पर। इंस्ट्रक्शन डिकोडर में डिकोड किया जा रहा है कि करना क्या है, एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट मशीन साइकिल इज कॉल्ड ऑपकोड फैच। ऑपकोड फैच राइट, और इसमें लगते हैं 4 T states। ठीक है, फर्स्ट मशीन साइकिल इज ऑपकोड फैच। जैसे इसने डिकोड किया, इसको समझ में आ गया कि एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन है, वहां से डेटा लेकर आना है और उसे एक्यूमुलेटर में लोड करना है। अब 16-bit एड्रेस लाने के लिए फिर से मेमोरी में जाएगा। दूसरा है मेमोरी रीड, मेमोरी रीड करके ये लेकर आएगा 50 माइक्रो प्रोसेसर और इसे स्टोर कर देगा WZ, दैट इज यहां पर लोड कर देगा 50। ये माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है, टेम्पररी रजिस्टर है। फिर तीसरी बार जाएगा, फिर से मेमोरी रीड करेगा, तीसरा साइकिल भी है मेमोरी रीड, और मेमोरी रीड करने के बाद ये 40 माइक्रोप्रोसेसर अपनी तरफ लेकर आएगा और यहां पर लोड कर देगा 40। अब देखिए, पहला उसने किया ऑपकोड फेच, दूसरा उसने किया मेमोरी रीड, तीसरा उसने किया मेमोरी रीड, और इस तरीके से माइक्रोप्रोसेसर के पास 16-bit का एड्रेस आ गया। लेकिन काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी उस लोकेशन पे जाना है और कंटेंट लेकर आना है। तो अब माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, इस 4050 को थ्रू एड्रेस बस भेजेगा, यह एड्रेस बस, और इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को हाईलाइट करेगा और फिर से मेमोरी रीड भेजेगा। मेमोरी रीड करने के बाद इस 37 को लाकर एक्यूमुलेटर में सेव कर देगा। तो यह डेटा जाएगा और मेमोरी में, सॉरी एक्यूमुलेटर में आकर सेव हो जाएगा। किसके थ्रू आएगा, थ्रू डेटा बस। अगेन लास्ट में माइक्रोप्रोसेसर ने क्या किया, मेमोरी रीड किया, मेमोरी रीड, फिर से मेमोरी रीड। तो देखिए हाउ मेनी मशीन साइकिल, 4 machine cycle। पहले वाले में 4, दूसरे में 3, तीसरे में 3, चौथे में 3 T states, तो टोटल लगेंगे 13 T states। तो चलिए अब ये टेबल देख लेते हैं। मेमोरी में इसने 3 space लिया है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड 3 byte instruction। 4 machine cycles जैसा कि मैंने पहले बताया, और 4 + 3 + 3 + 3 टोटल 13 T states। तो होप सो आप लोगों को आज LDA इंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ में आया होगा, साथ में ये भी समझ में आ गया होगा कि 3 byte instruction है तो 3 machine cycle होना जरूरी नहीं है, राइट। 3 byte instruction है तो 3 machine cycle होना जरूरी नहीं है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, वर्किंग कंप्लीट होना चाहिए, राइट। तो देख लीजिएगा एक बार, वीडियो जरूर देखिए और इस इंस्ट्रक्शन पे कमांड कीजिए। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। अगर आप वाकई डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आज ही गेट DSE में सब्सक्रिप्शन लीजिए, मिनिमम 1 year प्रोग्राम या फिर 2 year प्रोग्राम मेरे कोड के साथ। आपकी फीस हो जाएगी 22,500 एंड 27,000 फॉर 2 year। EMI options अवेलेबल है ऑल क्रेडिट कार्ड्स पर, HDFC डेबिट कार्ड पर। कोई भी जानकारी के लिए बेझिझक मुझे आज ही व्हाट्सअप कीजिए। याद रखिएगा ये कोड आपके सक्सेस के रास्ते खोलने वाला है। And thank you for watching. Good day and good luck. Thank you.